कौन सा वाला? ये तो सामने वाला था। तो ऐसे रख देते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। अभी वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। एक्चुअली क्या है कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है, मेरा जो धुलाई का जो पंप है वो ख़राब हो गया, ठीक है। उस कारण से क्या है कि अभी पानी का थोड़ा सा इशू हो रहा है, हम धुलाई वुलाई सही से नहीं कर पा रहे। और ये वाला जो पाइप है, यहाँ से देख सकते हैं, ये भी पाइप पूरी तरह से फट गया हुआ है। और यहाँ से इसका जो जॉइंट मैंने दिया है ना, तो जॉइंट का भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये जॉइंट प्रॉपर पकड़ता नहीं है। आप यहाँ गीला गीला से देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर बाहर आ रहा है, एक जॉइंट उस तरफ है, ठीक है। तो इस पाइप को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यही पाइप हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो पाइप लेने जा रहे हैं, हम थोड़ा सा ऐसे एरिया में जा रहे हैं जिसका जाना मेरे ससुराल के बगल से होता है। तो मैं सोचा कि ससुराल क्यों मिस कर दें अगर उस रास्ते से जाएंगे। तो थोड़ा सा तैयार हो गए हैं ओढ़ पहन के, बाकी ससुराल भी घूम लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि वो वाला पाइप भी लेके आएंगे। बाकी यार देख सकते हैं, यहाँ के मुखिया जी है मेरे सामने में, जस्ट इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते। मुखिया जी कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, दुआ अपना बताएं। कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को? बिल्कुल, देखिए जियाउद्दीन भाई अपने एरिया का बोला जाए तो सबसे फेमस पॉपुलर मैकेनिक है। अरे भाई, और खास करके टू व्हीलर में ये स्पेशलिस्ट है जी। तो जो भी भाई बंधु, जो भी दोस्त मित्र इनके जानने वाले, नहीं भी जानने वाले हैं, तो आप लोग एक बार इनसे सर्विस लीजिए और आपको निराशा नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर आइए मिलते हैं ना। अभी जा रहे हैं थोड़ा ससुराल, खा पी के आते हैं मज़े से। तो दोस्तों अभी खा पी के यहाँ पर रेडी हो गए हैं, और यहाँ से जो अभी चलते हैं पाइप ले लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पाइप लेना है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने फ़ोन किया उसको जिनसे मुझे पाइप लेना है, उसको जो फ़ोन किया तो वो भी कह रहा है कि मतलब वो घर पर नहीं है, उसका जो फैमिली है वो घर पर है। वो बोले कि तुम आ जाओ, बेफिक्र आ जाओ, ठीक है, तुम पाइप तुमको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अभी जा रहे हैं, वरना मुझे लगा था कि वो घर पर नहीं है तो हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है। वो बता रहे हैं कि आ जाओ, घर पर मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से जाते हुए ये रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही घटिया सा रास्ता है, ख़राब हो गया है। ये रास्ता पहले ठीक था, जब बाढ़ पानी आया था ना 2017 में हम लोगों के यहाँ पर, तो उस बाढ़ पानी के कारण क्या हुआ है कि रोड ख़राब हो गया था। तो तभी से रोड बनाया नहीं गया है, रोड को सुधारा नहीं गया है। और कैमरा इतना हिल रहा होगा, हिलते ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना ख़राब है। पूरी गाड़ी जो है ना बबलिंग कर रही है, पूरा हिल रहा है एक तरफ से। शाम के टाइम में बाइक चलाना इतना दिक्कत है कि क्या ही बता सकते हैं। अभी मेरी आँखें देख सकते हो आप, पूरी तरह से लाल हो गई है। इसका वजह है कि बहुत सारा जो कीड़ा है, कीड़ा बार बार आँख में पड़ रहा है। मैंने एक मिस्टेक कर दिया कि मैं चश्मा नहीं लेके आया। बस आप अगर कभी आओ तो आप चश्मा लेके आना, शाम के टाइम में स्पेशली आपको चश्मा का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं धूल से लेके कीड़ा तक जो है ना, सब किसी में चश्मा का ज़रूरत पड़ेगा। सो दोस्तों अभी जस्ट पहुँच ही गए हैं लगभग, यही वाला मार्केट है जहाँ पर वो है पाइप जहाँ मिलेगा। कौन सा दुकान है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इस तरफ ये भी दुकान बंद है दोस्तों। एक्चुअली ये दुकान था, ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया हुआ है, थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं। पवन का घर कहाँ पर है? कौन सा वाला? सामने वाला है। ये तो सामने वाला था, तो सीधा ये है। बहुत दूर में ही गाड़ी रोक दिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि दुकान में ही होगा, लेकिन दुकान में मिला नहीं वो हमको। वो खैर वो तो एक्चुअली है नहीं, उनके घर में पहुंचना है। तो देख लेते हैं, बता रहे कि यही वाला घर है जहाँ गाड़ी खड़ी है। इसके यहाँ से पाइप ले जाने का रीज़न है कि ये एक दुकानदार नहीं है, मैं आपको इसका सारा डिटेल बता दूंगा। ये दुकानदार नहीं है, ये फ़िलहाल कोई ऐसा चीज़ है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि ये इसके पास से मैं पाइप क्यों ले रहा हूँ। देख सकते हैं इसके पास भी थोड़ा सा रखा हुआ है। कहाँ गए? कोई छिकू गए? हाँ इधर, बस थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। इस मशीन का इस्तेमाल भी करता होगा या नहीं मुझे नहीं पता।
लग तो नहीं रहा है कि इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि पूरी तरह से कीचड़ कीचड़ ही रखा हुआ है। बेल्ट भी इतना लूज पड़ा हुआ है जिससे चल ही नहीं सकता। गए हुए हैं, उनको फ़ोन हो रहा है, वो फ़ोन कर रही है, यहाँ की जो घर की औरतें हैं वो फ़ोन कर रही है कि पूछ रही है कि पाइप लेने आया हुआ है। तो अभी देख लेते हैं अंदर से क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं, पाइप लेके दिखाते हैं, फिर चलते हुए दिखाते हैं। बाकी इसका जो स्टोरी है, मैं यहाँ से पाइप क्यों ले रहा हूँ उसका भी आपको रीज़न बताऊँगा, और अगर आपको भी ज़रूरत है, अगर आप मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप भी यहाँ की पाइप ले आ सकते हैं। वो नहीं है, बताया ना आपको। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं पाइप ले लिए है, मेरे हाथ में है। अभी गाड़ी तो हमने दूर रखा हुआ है, तो गाड़ी के पास जाते हैं फिर आपसे बात करते हैं अच्छे से। ये इतना सा पाइप है, देख सकते हैं, इसी के लिए हम आए हुए थे इतनी दूर। इस तरह से मैंने इसको हैंडल में अटका लिया क्योंकि और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं अभी हम भगोड़ा में हैं, और ये सलाम सुभान भाई है। रुकिए हजरत, वही दोस्त मिला है वो। जियाउद्दीन जाओल जाओल, हाँ यूट्यूबर आया, वीडियो बना रहा है वो आया। ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है ना, अभी जो जिनसे मैं अभी मिल रहा हूँ ये भी फ्रेंड है, जिनसे बात हो रही है वो भी फ्रेंड है, वो मुफ्ती साहब है ना। मुफ्ती साहब अभी लाइन पर है, तो वो भी हमको पहचान गए, तो इस हिसाब से हमारी मुलाकात हो गई दोस्तों। और जस्ट पाइप तो लेने गए हुए थे, आपको पता ही है, मैं वहाँ थोड़ा रुका था, मुझे लगा कि कोई तो है भाई। मैं तुम्हारी गाड़ी देखा ना, गली में गाड़ी नहीं था, मुझे लगा कि बाहर शायद मिल जाएगा, जैसे सोचा वैसे मिल गया। हाँ प्रेशर पाइप ख़राब हो गया मेरा, टूट गया था ना इसी कारण से। नहीं, यही बल्तर में। ये जो पीछे वाला है, पीछे वाला इसका गांव है, बघोड़ा गांव, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, और डेवलप्ड होने का कारण सब यही है, यही लोगों की वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाया है गांव में, पहले ऐसा गांव नहीं था ये। अभी मैं जस्ट बगल में आ गया हूँ, अभी हमको देखना है कि मेरा जो लड़का सब है, स्टाफ सब है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, दुकान में है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो लोग गायब हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन है। दोनों अदनान कहाँ गया? अदनान नहीं आया था दोपहर के बाद। क्या कर रहे हो गाड़ी में बैठ के? गाड़ी स्टार्ट किए थे क्या? नहीं ना, पढ़ने गए थे, कौन जाने बोला? तो दोस्तों पाइप लेके आ गए हैं, देख सकते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट दुकान में आ गए हैं, और मैंने जो पाइप था, पाइप मैंने ले लिया है, और अभी जस्ट आगे पहुँचे हैं, अभी बैग वगैरह रखते हैं। पता नहीं दोस्तों, न जाने क्यों अभी आपसे बात करते हुए मुझे रोना आ गया है बहुत ज़्यादा, मैं रो रहा हूँ सच में। अरे नहीं, रो वो नहीं रहा हूँ, एक्चुअली क्या ना कि मैंने अभी बताया था ना आपको कि आँख में बहुत ज़्यादा कीड़ा पड़ गया था, तो उसी कारण से मैं जो है ना थोड़ा सा आँख में ड्रॉप दिया, तो ड्रॉप देने के कारण थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है। तो अब्बा अभी बोले कि मशीन तुम लेके आ जाओ, जैसे कि मोटर है ना, मोटर को भी लेके आ जाना है, तो उसको ले जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो बोर्ड का जो स्विच है वो ऑफ करना पड़ेगा, देख सकते हैं ऑन है, ये ऑफ कर दिया। अब हम चलते हैं खेत पर, जहाँ से कनेक्शन जहाँ गया हुआ, जहाँ हम लोगों ने मोटर लगाया है, अभी वहाँ चलेंगे। वहाँ जाने के बाद मोटर बिल्कुल बंद करेंगे, और मोटर बंद करके क्या होगा कि मोटर पूरा समेट कर लेके आ जाएंगे, बस दाखिल नहीं बस बनल कर। तो अकेले का थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मोटर जो है ना नदी में है, तो नदी से उठाने में अकेले थोड़ा सा दिक्कत होगा। और यहाँ लहसुन में पानी दिया गया है, अम्मा पानी दी थी सुबह, मैंने मोटर का कनेक्शन कर दिया था, पाइप यहाँ तक पहुँचने आ रहा था तो मैंने पहुँचा दिया था जोड़ जाड़ के, और अभी वहाँ पानी दिया जा रहा है। फिलहाल चलते हैं, इस तरफ से गया हुआ कनेक्शन आपको मैंने पहले भी वायर दिखा दिया था, उस कोने में वहाँ मोटर लगा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, आगे आपसे मिलते हैं। जस्ट आगे हैं जहाँ हमारा मोटर लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्शन जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से वायर, यहाँ दो कीलें लगी है, कील में वायर का कनेक्शन किया गया है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि हम बोर्ड लगा दें, तो बोर्ड क्या होता है ना, एक्चुअली पावर बोर्ड जो लगाता हूँ, तो मोटर पे जब ज़्यादा लोड पड़ता है, मोटर वहाँ चल रहा है, लोड पड़ने के कारण क्या हो जाता है कि बोर्ड बार बार जो है ना फ्यूज़ हो जाता है, बोर्ड मतलब जल जाता है, तो इसी कारण से बोर्ड सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से खोल लेते हैं, अभी पहले कनेक्शन यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ बटन ऑफ है, तो हो सकता है अर्थिंग मारे। इसको यहाँ से पूरी तरह से खोल लेते हैं, उसके बाद इसको फिर समेटना पड़ेगा, इसका जो वायर है, ये जो वायर देख रहे हैं आप, इस वायर को भी घिसते हुए बिल्कुल समेटते हुए वहाँ तक जाना पड़ेगा।
मोटर हम लोगों ने घर में पहुंचा दिया है। मोटर घर लेके चला गया मेरा छोटा भाई। अभी मैं यही हूँ। अब मेरा पैर देख सकते हैं पूरी तरह से गंदा हो गया, कीचड़ लग गया है, क्योंकि मोटर को जो खींच के लाना पड़ता है ना वो कीचड़ से लाना पड़ता है। रास्ता उस तरह का बना हुआ नहीं है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा क्वालिटी थोड़ा डाउन हो गया होगा क्योंकि शाम हो गई है, मगरिब का अज़ान हो गया है। तो मैं सोचा कि लास्ट में आपको एक वीडियो बना के बता दूँ कि वीडियो यहीं ख़त्म हो गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, डेली लाइफ वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।